शुरू आपका स्वागत करती हूँ हेडजी न्यूज में। आज मैं आपको एक ऐसे पायलट के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि एक्चुअली पायलट के यूनिफॉर्म पहन के जगह जगह घूम के अलग अलग फ्लाइट्स में जाकर यात्रा करता था। जब पुलिस को पता चला इसके बारे में तब इसका पूरा पर्दाफाश हो गया। तो चलिए जानते हैं ये मामला क्या है और ये शख्स कौन है। हम सब चीजों के बारे में आज की न्यूज में आपको बताएंगे, पर मेरे साथ बने रहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। शुरू करते हैं आज की न्यूज। एयर एशिया से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर जर्मनी एयरलाइन दिल्ली एयरपोर्ट पे है। आप लोगों को पता है कि दिल्ली एयरपोर्ट में इंटरनेशनल काफी सारे ऐसे एयर एशिया रहती है, जर्मनी एयरलाइन रहती है मतलब कि, और जर्मनी एयरलाइन का इसने एक पायलट का ड्रेस पहना हुआ था और ड्रेस पहन के वो घूम रहा था और काफी सारा सफर भी कर रहा था। तो इस दौरान वहां पर एयर इंडिया को काफी सारा डाउट आया और डाउट आने के बाद उन्होंने वहां पर जो पुलिस मौजूद होती है उनको इसके बारे में बताया और बताने के बाद पता चला कि ये जो शख्स है ये एक्चुअली धोखाधड़ी कर रहा है। यहाँ पर ऐसे खुलेआम घूम रहा है और हर एक सुविधा ले रहा है जो कि पायलट को मिलती है, पर ये पायलट नहीं है, इस जो एयरलाइन है इस एयरलाइन का पायलट तो नहीं है। इसके बारे में जब जानने के बाद पता चला तब उस जो बंदा है उसको हिरासत में ले लिया गया और हिरासत में लेने के बाद पता चला कि इसका नाम है वसंत और ये कोलकाता से बिलोंग करता है और ये एक बंगाली शख्स है और ये एक आर्टिस्ट है और ये पहले भी ऐसी सब चीजें तो काम नहीं किया है पर ये पहले फोटोशूट्स कर चुका है। और वो फोटोशूट किसके ऊपर कर चुका है, कभी इंस्पेक्टर बनके तो कभी लॉयर बनके, कभी डॉक्टर बनके तो कभी फ्लाइट का ऐसा कैप्टन बनके तो कभी कुछ बनके तो कभी कुछ बनके, पर इस बार इसने कुछ अलग ही कर दिया। उसके बाद इसको हिरासत में ले लिया गया, इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है कि इसको किसने अंदर आने की परमिशन दी और किस कदर ये अंदर आया और सब चीजें इससे जानकारी लेके उन सब चीजों को ब्लॉक भी कर दिया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए क्योंकि कोई भी अलग भी चीज हो सकती थी, कोई भी एयरलाइन इसको एज अ पायलट भी वहां पर बिठा सकती थी और अगर इसकी मस्ती ऐसी होती तो अगर फ्लाइट इसको चलाना आता नहीं अगर फिर भी वहां पर चलाता तो क्या होता उस वक्त, सोचिए आप। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ के साथ लाइक ठोकते जरूर चाहिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।